हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे। मैंने एक ट्रेड लिया था हेवल्स में, 3 4 दिन पहले मैंने ट्रेड लिया था। फिर दो मैंने कल ही या परसों, हाँ परसों मैंने उसको क्लोज़ किया है। तो देखते हैं उस ट्रेड के बारे में बात करते हैं। मैंने बहुत कम रिस्क से ही वो ट्रेड लिया था, छोटा सा ट्रेड था, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। हेवल्स, हाँ ये वाला ट्रेड, मुझे 9,000 प्रॉफिट हुआ था। ये आंकड़ा मैंने 20,000 तक देखा, लेकिन 10,000 मैंने जाने दिया क्योंकि मैं ट्रेल कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि मेरी एंट्री और एग्जिट क्या है। ठीक है, एंट्री थी मेरी 2,000, ठीक है, और एग्जिट थी मेरी 2,064 शायद। हाँ ये एक सेल भी है, 1991 मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद एंट्री की तो मुझे वहां पे प्रॉफिट हुआ। ये सेल 2,064, ठीक है। तो कल जैसे मैंने बताया कि मैंने और दो ट्रेड लिए थे हेवल्स में, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मैंने एंट्री कहाँ से ली थी, क्या ली थी। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में मेरी सिलेक्शन ऐसी थी, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट रीटेस्ट है। इनकम्प्लीट रीटेस्ट पे मैंने एंट्री ली थी। ये देखो, ये टीसीडी का मुझे यहाँ पे छोटा ट्रैप मिला, तो मैंने ये कैंडल के बाद मैंने ये कैंडल ली। तो अभी गाइस, मैंने हमेशा यही बताया, प्राइस एक्शन ही दिखाया, लेकिन अभी आज वॉल्यूम पे भी देखते हैं कि मैं वॉल्यूम क्या और कैसे दिखता हूँ। अभी देखो, ये ब्रेकआउट हो गया। हमेशा एक बात याद रखना कि वॉल्यूम ऐसे ही रैंडमली किधर भी देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं। अभी मुझे वॉल्यूम ये बीच के एरिया में नहीं समझ में आता। मैंने एक ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाया वॉल्यूम का भी कि आफ्टर ब्रेकआउट ही मैं उसको देखूंगा, और मुझे कुछ समझ में आता है तो उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये वॉल्यूम बड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वॉल्यूम बड़ा हुआ है यहाँ पे, फिर ये बराबर वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, प्राइस भी ड्रॉप हुई, है ना। मतलब वीकनेस दिखाती है कि ये जो रीटेस्ट है, ये जो डाउन ट्रेंड है, मतलब ये वीकनेस में है। तो जैसे देखो, वॉल्यूम से वॉल्यूम नहीं देखना है, तुम्हारा प्राइस एक्शन का भी ये बहुत स्ट्रांग चाहिए। अभी प्राइस एक्शन में मुझे यहाँ पे ट्रैप दिखा, है ना, और ट्रैप दिखने के बाद जैसे देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम नीचे गया, फिर यहाँ पे छोटा सा ऊपर आया, वापस ही नीचे गया, फिर जैसे ट्रैप दिखाया, और प्राइस एक्शन पे मेरे हिसाब से ट्रैप के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा। फिर अगले दिन जब भी मैंने एंट्री की, उस टाइम पे ये वॉल्यूम है ना गाइस, ये यहाँ तक इतना कुछ तो था, है ना, ऐसे भी नहीं, ये बाद में बिल्टअप हुआ है। तो ये दिन में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली। तो अभी देखते हैं कि एंट्री किस हिसाब से ली थी मैंने। ये देखो, ये मेरी एंट्री है, ये मैंने गोल करके रखा है, इसको निकाल देता हूँ। ये अभी मैंने यहाँ पे भी 2 मिनट में जाके मैंने एंट्री ली। अभी 2 मिनट तो छोड़ देते हैं। देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे जैसे क्रॉस हुआ 2,000 पे मैंने एंट्री ली, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। मेरा स्टॉप लॉस ये था, है ना, 1994 का स्टॉप लॉस था, लेकिन एकदम गैप डाउन हुआ और मेरा स्टॉप लॉस फिर वही 1912 कुछ तो हो गया। ठीक है, फिर बाद में ये इनसाइडर बनी। इनसाइडर जैसे बनी, इसकी जैसे ऊपर क्रॉस किया, तो 201.6 के आसपास मुझे एंट्री मिल रही थी, लेकिन मैंने जो ऑर्डर लगाई वो 2,000 की ही थी। ठीक है, तो अभी ये देखो, कैसे मुझे समझा कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। मतलब मैंने स्टार्टिंग में एंट्री क्यों ली, क्योंकि ये देखो, ये लास्ट के दो कैंडल में है ना, इधर वॉल्यूम बढ़ा है ना, ये प्राइस नीचे आएगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने एंट्री ली उसके हिसाब से। तो फर्स्ट कैंडल में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल में हो गया, है ना। तो अभी देखो, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये देखो, यहाँ से वॉल्यूम गिर रहा है ना, मतलब साइडवेज जा रहा है, तो इसके लिए गिर रहा है। फिर यहाँ पे बढ़ा, है ना, ये दो कैंडल में बढ़ा, ये दो बार में देखो बढ़ा है, तो ये ऊपर गया। फिर उसके बाद वापस ये साइडवेज, ये वापस नीचे, और फिर ये ऊपर। ये वॉल्यूम मैंने इतना जल्दी नहीं समझेगा, बहुत सालों का मेहनत लगता है, उसके बाद ही वॉल्यूम कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर आया, फिर यहाँ पे देखो, इसने ये ट्रैप लिया, है ना, ये हायर हाई हायर लो, ये जैसे इसने पहला लोअर लो बनाया, है ना, मुझे एक्चुअली यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, कितना, 2,089 पे, लेकिन मैं सोचा कि चलो अपने अपन ये लेवल को देखते हैं, है ना। ये दो लेवल थे मेरे लिए, एक ये पहले ऊपर का और नीचे ये लो वाला, हाई और लो,
तो हाई ये वाला सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन गया मैंने यहाँ पे, लेकिन अवॉइड किया। फिर जैसा ही दूसरा रेजिस्टेंस है ना, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है ना ये, तो मेरा ये स्टॉप लॉस मैंने अपना ट्रेल किया और यहाँ पे लगा दिया है ना, जो है 2064। तो बराबर इसके नीचे मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया है ना 2064। तो यहाँ पे जो मेरी रिस्क थी वो कितनी थी, हाँ ये यहाँ पे मेरी जो रिस्क थी वो थी 0.3 है ना, 0.287 कुछ तो थी, लेकिन 0.3 पकड़ दें। और जो मुझे रिवॉर्ड मिला वो है कुछ तो यहाँ तक, ठीक है, मतलब 3.2% कुछ तो है ना। अगर ये ऊपर मैं यहाँ पे अगर ले जाता तो 4.4 का होता है ना, तो 3.2 मतलब 1:10 के आसपास मुझे यहाँ पे मिला है ना। 1:10 कितना दिन में, 1, 2 और 3 दिन में, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा ट्रेड था। फिर कल के दिन मैंने और उसमें री एंट्रीज की कोशिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा है ना, और हालांकि ये बाद में ऊपर गया। मैंने यहाँ पे उसको एंट्री का देखा, बहुत कुछ मैंने एंट्री करने की कोशिश की। तो भी देखो आज मैं ये इसके लिए बना रहा हूँ, मैं ये ट्रेड उस दिन भी बना सकता था, लेकिन कल भी बना सकता था, लेकिन कल एंट्री नहीं की। आज इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये देखो अभी बात ऐसी है, अपन डेली पे जाते हैं है ना। तो देखो ये जो नीचे वॉल्यूम गिरा है ये डाइवर्जेंस है ना, ये नीचे जो गिर गया वो गिर गया, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ा है ना। तो मतलब कैसा है, वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखना, मतलब सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखना नहीं, अपन जो प्राइस एक्शन पे लेवल बनाते हैं है ना, वो लेवल के हिसाब से अपने को वॉल्यूम देखना है ना, वॉल्यूम भी देखना है और कौन से लेवल पे क्या बन रहा है। लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको देखोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया, 15 मिनट में जाके देखते हैं। ये देखो नीचे नीचे गया, वॉल्यूम नीचे नीचे कम 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 था है ना, ये दो बड़ा डंडी छोड़ दो, देखो ये एकदम कम 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 है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल है ना, एकदम छोटी सी कैंडल, यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर आया है ना। तो जैसे ही आया यहाँ से फिर रिवर्स हुआ और फिर लास्ट में ये और वॉल्यूम ऐड हुआ। तो अभी कल के दिन मेरा ये ऐसा है सोचना कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर एक सपोर्ट लाइन है ना, ये इसका बराबर सपोर्ट भी लिया है, तो भी है जैसे ये ओपन होके सीधा ऊपर जाएगा और ये अपने टारगेट की तरफ जाएगा है ना। अभी मैं इसमें तो हालांकि एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपनी एंट्री बना ली है हिंडालको में, ठीक है, ये मेरी एंट्री है आज की हिंडालको में। जैसे मैंने कल कहा था कि मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ और मैंने लिया है ट्रेड, ठीक है, और मेरी एंट्री एकदम खतरनाक लेवल पे हुई है, सोच भी नहीं सकते तुम कि कौन से लेवल पे मैंने एंट्री ली होगी है ना। ये देखो कहाँ पे दिखाऊँ मैं, ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में छोड़ो पोजीशन में दिखेगा है ना। हिंडाल्को एवरेज है 711.3, 711.3 है ना, तो वही है हिंडाल्को। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ, नहीं तो सोचोगे कि गया ये। 711.3 पे मैंने जब एंट्री ली, मैंने अपना स्टॉप लॉस डाला सबसे पहला वाला, ये कौन सा 710.2 है ना, मतलब 90 पैसे का मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया सबसे पहला। फिर बाद में मैंने ये कैंसिल कर दिया, जैसे प्राइस ऊपर गई मैंने फिर ब्रेक इवन पे शिफ्ट किया ये सेकंड वाला, और जैसे मेरे को समझा कि यार यहाँ से अभी प्राइस निकल गई है तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया, बाद में स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। तो मेरी देखो एंट्री यहाँ पे है, जैसे ये यहाँ से नीचे आई मैंने एंट्री ले ली है ना। ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट भी एक्चुअली सिर्फ ये ही नहीं, सेवन मैंने 711.3 पे ली, तो मेरा जो ये हाई था मेरा यही टारगेट कि मतलब यहाँ तक ही आएगा और प्रॉपर ही तक किया। देखो भाई ये समझना कि ये तो ऊपर वाली रीटेस्ट लाइन है, रेड वाली रीटेस्ट लाइन है, लेकिन ये नीचे वाली ब्लैक लाइन एक पिछला हाई है, तो ये समझना कि यार यहाँ पे आएगी, ये एक्सपीरियंस से आता है ना। एक्सपीरियंस से एक्चुअल में बहुत सारी चीजें समझ में आती है, जब तुम बहुत सारे ट्रेड को मिस करते हुए, मिस होते हुए देखते हो। अभी ये जो मैंने ट्रेड लिया ना, इसके जैसे मैंने बहुत सारे ट्रेड, ऐसा नहीं हजारों, लेकिन कम से कम 150 से 100 के बीच में मैंने ट्रेड मिस किए हैं और मैं रोया हूँ बैठ के, है ना। तो उसमें से बहुत कुछ समझ में आता है। तो देखो ये जो लाइन है यहाँ पे, इसने ट्रैप लिया,
जो बड़ा ट्रैप लेता है ना तो वो वापस रिटेस्ट करता है, और जो एकदम डंडी जैसा, जैसा देखो ये छोटा सा ट्रैप है ना, ये छोटा सा ट्रैप लेता है वो सीधा ऊपर भागता है। तो ये भी एक चीज है तो समझ में आती है। तो जैसे ये हुआ, मैंने बस यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा के बैठा था, मुझे पता था कि ये और मिसिंग ही जाएगा, हालांकि यहाँ पे गैप दिखा है फिल होने के लिए, लेकिन मुझे पता था, या मुझे पता था कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये नीचे नहीं जाएगी, ये यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ट्रेन ले लिया। ठीक है, तो अभी वही है। और ये प्लस अभी अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि मैंने 90 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था, तो 90 पैसा गाइस ये होता है 0.1%, है ना। और अगर ये वाला स्टॉक अगर 10% चला गया, 10-11%, तो मैं ऑन द स्पॉट क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपना महीनों का टारगेट जो 1:100 रिस्क रिवॉर्ड चाहिए मुझे वो मिल सकता है मुझे, है ना। जो मैं चाहता था कि 1:100 मिले मिले मिले, बहुत मेहनों से कोशिश कर रहा हूँ इसकी, बहुत मेहनों से। एक टाइम ऐसा है कि मैंने 1:95 तक क्लोज कर दिया, लेकिन 1:100 अगर मिलता है तो मैं उसको ऑन द स्पॉट क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ, है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस में जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने 1:100 भी कैच किया है। और ये वीडियो का ये सबसे पहले यही दिखता है कि 550 क्वांटिटीज है, 1130 पे मैंने एंट्री ली है, और 10:20 पे ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, मतलब 1 रुपया भी नहीं मैंने 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखा है। तो यहाँ पे वही बात है, अगर हो जाता है तो फिर 1:100 ये। ओके बाय।